दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों तो हम लोग देख पा रहे हैं आज एक लेटेस्ट मुद्दे पर आपसे चर्चा करने वाले हैं, ANM 9212 नियुक्ति पत्र मामले पर। दोस्त आप सभी को पता है आपके समक्ष आज के डेट में यानी अगर कहा जाए 20 मार्च को कोर्ट केस में सुनवाई थी, बिल्कुल फाइनल कोर्ट केस का ऑर्डर आपके बीच में आ चुका है। आप देख पा रहे हैं आपकी जो सुनवाई थी वो पूरी तरह से फाइनल हो चुकी है। क्या कुछ कैसे हुआ है पूरी तरह से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। नीचे यहाँ देख पा रहे हैं वरिष्ठ अधिवक्ता का एक बयान भी आ रहा है, जो कि इस बयान को हम पहले ही ऑलरेडी आपके बीच में दिखा चुके हैं। देखिए इसके नीचे आप देख पा रहे हैं EWS के अभ्यर्थी जो हैं वो 277 हैं, और यहाँ नीचे आप देख पा रहे हैं प्रोविजनल की हम अगर बात करें तो प्रोविजनल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है, 1622 है। यानी अगर कहा जाए EWS 277 और प्रोविजनल के अभ्यर्थी 1622 हैं। ठीक है, सवाल आता है आखिरकार जो नीचे लिखा गया है आप देख पा रहे हैं कि ज्वाइनिंग हमारी कब तक होगी। ठीक है, यह प्रत्येक ANM बहनों के मन में हमेशा विचार उठ रहा है कि आखिरकार वो घड़ी हमारे बीच में कब तक आएगी जब हम कहीं हमें जो है ज्वाइनिंग लेटर का वितरण किया जाएगा। तो इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले हम आपके बीच में फाइनल जो कोर्ट केस का ऑर्डर है आपके बीच में दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए आपके बीच में कोर्ट केस ऑर्डर लगा हुआ है, देख पा रहे हैं जो है सारी चीजें पूनम द्विवेदी बनाम जो है स्टेट ऑफ UP। ठीक है, याचिकाकर्ता पूनम द्विवेदी जी हैं और यहाँ देख पा रहे हैं किसकी देख रेख में 16/2/2023 से। ठीक है, यानी अगर कहा जाए तब से कोर्ट केस यानी यह जो आपकी सुनवाई चल रही है अभी देख पा रहे हैं फाइनल स्टेटस आपके बीच में पेंडिंग दिखा रहा है। यानी अगर कहा जाए तब से इस चीज को अपडेट नहीं किया गया है। आज की डेट में क्या कुछ कैसे हुआ है अगर देखा जाए तो पूरी तरह से ये सुनने में आ रहा है। फिलहाल के लिए अभी जो ऑफिशियल वेबसाइट अगर कोर्ट की चेक की जा रही है तो कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है, यही स्टेटस आपके बीच में दिखा रहा है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फिलहाल सुनवाई आपकी आज की डेट में नहीं हो पाई है। कुछ लोग कह रहे थे कि सुनवाई नहीं हो पाई है तो आखिरकार अगली डेट क्या कुछ मिलेगी, अभी इस चीज का क्लियरली से बताना बिल्कुल मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अगर फाइनल कोर्ट की वेबसाइट पर अगर कुछ नजर नहीं आ रहा है तो जाहिर सी बात है किसी चीज का एक आशंका जताना बिल्कुल गलत होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपके बीच में हमने दिखाया। फाइनल आप कोर्ट केस ऑर्डर को देखना चाह रहे थे तो आपके बीच में फाइनली कोर्ट केस ऑर्डर लगा है। नीचे यहाँ आप देखने का प्रयास करेंगे पूनम द्विवेदी, ये सारी चीज़ें आपके बीच में दी जा रही हैं, जालौन उत्तर प्रदेश से हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ देखिए सुनीता कुमारी, ये भी यानी अगर कहा जाए दो याचिकाकर्ता इसमें दी गई हैं। ठीक है, अब सवाल आता है कि आखिरकार कुछ लोग इस तरह के लॉन्चन लगा रहे हैं कि ये पूनम द्विवेदी के चलते ये मामला जो है कोर्ट गया है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सत्य है। फिलहाल के लिए अब क्या कुछ कैसे है आप खुद इसके जो है जिम्मेदार हैं। यहां वरिष्ठ अधिवक्ता, अभी हमने आपको सुबह की वीडियो में इन्फॉर्म किया था कि इनका आज कहना था कि आज उम्मीद है कि फाइनल सुनवाई हो सकती है, लेकिन आपने देखा इसमें कुछ भी नहीं हो पाया। ठीक है, तो अब आपके मन में आ रहा है, हमने आपको जैसा कि सूचित भी किया था अगर 20 तारीख की डेट में सुनवाई आपकी फाइनल हो जाती है तो यह मानकर चला जा रहा है कि 30 तारीख के पहले पहले यानी 30 अप्रैल के पहले पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। लेकिन अब मान चलिएगा कि अब अगली डेट क्या मिलती है अभी यह क्लियर नहीं हो पाया है। अब यह उम्मीद जताई जा रही है कि इस पे जो सरकार की रणनीतियां हैं वो रणनीतियों के तहत काम किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ टारगेट इस भर्ती को लेकर भी 24 के चुनाव को किया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ नीचे एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जितने भी एक चीज़ आप सुन लीजिएगा, आप जो अगर कहा जाए जो ज्ञापन सौंपने की मुहिम आपने चलाई थी उसे फिलहाल के लिए आप जारी रखेंगे। ठीक है, जो अगली तिथि आपको मिलेगी कहीं ना कहीं आपको एक बेहतर परिणाम तक अवश्य ले जाएगी। अच्छा, यहाँ फाइनल कब मिलेगा ज्वाइनिंग लेटर, अब यह कहना किसी के लिए बिल्कुल मुश्किल हो रहा है कि कब मिलेगा। अभी एक हम लोगों की उम्मीदें बरकरार थी आज की डेट यानी 20 तारीख को लेकर, अब सारी चीज़ें आज से धूमिल होती हुई जा रही हैं। सुनवाई में आज की इस कोर्ट के इस ऑर्डर में सारी चीजें आपकी पेंडिंग दिखाई जा रही है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा कुछ होता है हो सकता है वेबसाइट को अपडेट करने में थोड़ा सा समय लगे, इस वजह से बिल्कुल भी आप परेशान मत होइएगा, वेबसाइट लगातार चेक की जा रही है। अगर किसी भी प्रकार की सूचनाएं होती हैं तो बिल्कुल चैनल के माध्यम से आप सभी को इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज और सुनने में आ रहा था कि जो फ्रेश के अभ्यर्थी हैं पहले ज्वाइनिंग उन्हीं की कराई जाएगी, बाकी जो EWS और प्रोविजनल वाले
वाले बच रहे हैं इनको थोड़ा सा विलंब में रखा जाएगा। तो सारी अपडेट चैनल के माध्यम से आपके लिए दी जा रही है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जो भी होगा, जैसा भी होगा, ANM ज्वाइनिंग लेटर के संदर्भ में पल पल की अपडेट चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। ठीक है, वीडियो में मिलते हैं किसी नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।